हे गाइस, दिस इज प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में, जिसका नाम है सेफ रूम। ये कहानी है एक माँ और बेटे लैला और यान के बारे में, जो हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। घर काफ़ी खूबसूरत तो है, मगर पुराना भी, तो काफ़ी सारे हिस्से में रिपेयरिंग की ज़रूरत है। लैला एक विडो है, बस 3 महीने पहले ही उसके पति की मौत हुई है। ऐसे में सिंगल हैंडेडली सब कुछ संभाल पाना लैला के लिए मुश्किल हो रहा था। ऊपर से उसका बेटा यान बाकी बच्चों की तरह नहीं है, वो ऑटिस्टिक है, तो उसका अभी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है लैला को। हम देखते हैं यान को सोशलाइज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, किसी स्ट्रेंजर से मिलने में डर लगता है उससे। इस सब के अलावा भी चीज़ों को एनालाइज करने में भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसे गैजेट से बहुत लगाव है। सिर्फ 14 साल की उम्र में टेक्निकल एक्सपर्ट है वो। एक दिन उसके माँ के साथ लोकल एक बंदे की मुलाकात होती है, नील नाम से, रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग का काम करता है वो भी। लैला को ज़रूरत पड़ेगी समझकर वो उसे अपना कार्ड भी दे देता है, मगर लैला ऑलरेडी एक एजेंसी को कांटेक्ट कर चुकी थी, इसलिए नील को मना कर देती है। वो ऊपर जाती है तो देखती है अयान अपने कैमरा के साथ खेल रहा है। ये उसका बहुत पुराना शौक है, कैमरा के जरिए लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है उसे। मगर उस दिन अपने अनजाने में ही वो एक बहुत बड़े हादसे का सोल विटनेस बन जाता है। वो देख लेता है कैसे कुछ गुंडे मिलकर उसके सामने वाले फ्लैट में रहने वाले लड़की का खून कर रहे हैं, और तो और वो गुंडे भी उसे देख लेते हैं उन्हें देखते हुए। अयान इस शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसे पैनिक अटैक आ जाता है, वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। लैला उसके आवाज़ से उसी वक्त भागकर उसके कमरे में जा पहुंचती है। उसे लगता है अयान बहुत सेंसिटिव है, तो ज़रूर कुछ देखकर घबरा गया होगा। वो इस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेती, किसी तरह अयान को समझा बुझा कर सुला देती है वो। उसे पता ही नहीं चलता उनके सामने वाले फ्लैट में कितना बड़ा कांड हो चुका है, और अभी उसका असर उन पर भी पड़ने वाला है। उसे वो कैमरा ज़रूर दिखता है, लेकिन वो चेक नहीं करते उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है। वो सिंपली उसे उठाती है और बिन बैग के अंदर छुपा देती है, जिससे उसका बेटा फिर से परेशान ना हो जाए। कुछ देर बाद उसे नीचे से आवाज़ सुनाई देती है दरवाजे की, उनके मेन डोर लॉक में कुछ गड़बड़ी है, अपने आप ही खुल जाता है। इससे पहले भी ये बहुत बार हो चुका था, तो लैला नहीं डरती। वो नीचे जाती है, दरवाज़ा बंद करती है, और जैसे ही टर्न करती है लौटने के लिए, उसे नील दिखता है अपने सामने। वो कहता है कि वो लैला से मिलने आया था, बहुत देर तक दरवाजे पर नॉक करता रहा, इवन कॉलिंग बेल भी ट्राई किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसे लगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, ऊपर से दरवाज़ा भी खुला था, तो वह अंदर चला आया चेक करने। अब उसे क्या पता, असल में तो उनकी कॉलिंग बेल भी खराब है। तो नील ये सब ठीक कर देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ देर बात करता है लैला से और फिर निकल जाता है। कुछ देर बाद एक और आदमी दरवाजे पर नॉक करता है, ये रिपेयरिंग का काम करने आया था। तो लैला उसे सब कुछ समझा देती है, कहाँ क्या रिपेयर करना है, साथ में ये भी क्लियरली कह देती है कि अयान का रूम ऑफ लिमिट है, उसके कमरे में मत जाना। मगर ये आदमी सबसे पहले वहीं पर जाता है, कुछ ढूंढने लगता है उसके ड्रॉयर्स में, लैला तो कुछ समझ नहीं पाती। तब हमें पता चलता है ये कोई रिपेयर मैन नहीं है, बल्कि उन गुंडों में से एक है, डोमिनिक, और वो यहाँ पर आया है सबूत मिटाने। जब लैला उसे घर से निकल जाने के लिए कहती है, तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है, हमला कर देता है उस पर। लैला बहुत डर गई थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो वो भी अपने बचाव में उस आदमी से लड़ती है, उसका माथा फोड़ देती है, और फिर अपने बेटे के साथ जाके छुप जाती है घर के सेफ रूम में। सेफ रूम एक ऐसी जगह है जिसे इमरजेंसी पर्पज के लिए बनाया गया था, बिल्कुल किसी लॉकर की तरह। इसके अंदर सारे फैसिलिटीज मौजूद है, और इसे बस एक स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर से ही बाहर से खोला जा सकता है। ये इस घर के साथ ही आया था, मगर पिछले कुछ दिनों में अयान ने इसमें ढेर सारे मॉडिफिकेशन किया है, इसीलिए उसे इसके फंक्शंस के बारे में सब कुछ पता है। डोमिनी को उन्हें रोक नहीं पाता, तो वो बाहर से ही लैला को डराता है कि उसके बेटे ने जो देखा है वो उसे देखना नहीं चाहिए था। अगर उसे कैमरा नहीं मिला, तो उसके ग्रुप के लोग आकर उसे और उसके बच्चे को मार डालेंगे, वो उन्हें रोक नहीं पाएगा, वो लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इससे अच्छा लैला उसे कैमरा दे दे और सब कुछ यहीं पर ख़त्म कर दे। लैला को लगा था ये आदमी ज़रूर कोई चोर है, तो वो उसे पैसों की लालच दिखाती है, मगर जब डोमिनो को नहीं मानता, तब लैला समझ जाती है बात कुछ और है। लैला किसी फालतू मुसीबत में फंसना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो डोमिनिको को बता देती है कैमरा कहाँ पर है।
मगर इसके बावजूद उसे मुक्ति नहीं मिलती। अभी इस आदमी को बैकअप्स चेक करने थे, उनके कंप्यूटर्स में से डिलीट करना था सब कुछ जो सिर्फ और सिर्फ लैला ही कर सकती है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसे कमरे से बाहर जाना ही पड़ा। वो आदमी खुद खड़ा रह के सब कुछ डिलीट करवाता है उससे। एक्चुअली वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, बार बार बस एक ही बात दोहरा रहा था कि अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो उसका बॉस लैला और उसके बेटे को तो मार डालेगा ही, साथ में उसे भी, जो वो नहीं चाहता। वो एक मामूली सा चोर है, किसी खून खराबे में उसे पड़ना नहीं है। तो वो सिंपली लैला से प्रॉमिस करवाता है कि वो पुलिस को कॉल नहीं करेगी और निकल जाता है। मगर घर से निकलने से ठीक पहले ही उसे अपना पार्टनर दिख जाता है, एक रोको नाम की लड़की आई थी, यही असली कल्प्रिट है। उनके नेबर का खून इसी ने किया था और इधर भी वो किसी समझौते के मूड से तो नहीं आई थी, उसे अयान चाहिए था, उसका मुंह बंद करवाना होगा। लेकिन लैला उसे समझाती है उनका बेटा ऑटिस्टिक है, उसे खुद नहीं पता उसने क्या देखा, वो उन्हें पहचान नहीं पाएगा ना उनके खिलाफ गवाही दे सकता है, वो बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है उनके लिए। मगर फिर भी जब रोको नहीं मानती तो लैला उसे चकमा देने की कोशिश करती है। पास में ही उसका फोन पड़ा था, वो उसे पुलिस को कॉल करती है, मगर ठीक से कुछ बता पाए इससे पहले ही रोको उसका फोन तोड़ देती है। दोनों में हाथापाई होती है और रोको को घायल करके लैला किसी तरह भाग आती है अपने सेफ रूम में। कुछ देर ऐसे ही बीत जाते हैं, इसके बाद अचानक डोरबेल बजती है। पता चलता है इस बार सच में ही कोई रिपेयरमैन आया था। लैला इंटरकॉम के जरिए उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर उसका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा था, उसकी आवाज़ बाहर तक पहुंच ही नहीं रही थी। उल्टा रोको उस रिपेयरमैन को डराकर भगा देती है। लैला को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था, उसने ऐसे कैसे किसी को बिना आईडी देखे अंदर आने दिया, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगर डोमिनिक को अंदर घुस नहीं पाता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। इस कमरे में आए हुए काफ़ी घंटे बीत चुके थे और पता नहीं कितने घंटे और बिताने पड़ेंगे यहाँ पर। अयान को भूख लगी थी तो लैला उसे एक चॉकोबार देती है खाने के लिए, उनके पास और खाना नहीं था। मगर जब रो को पूछती है तब वो झूठ बोलती है, कहती है उनके सेफ रूम में हमेशा एक हफ्ते का खाना मौजूद रहता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो लोग जब तक चाहे यहाँ पर रह सकते हैं। इससे होता ये कि रो को बेचैन होने लगती है, एक हफ्ता वो यहाँ पर रुक नहीं सकती, तो वो एक ड्रिल से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है। मगर ये दरवाज़ा स्पेशल तरीके से बनाया गया था, स्पेशल मटेरियल से, इसे तोड़ पाना इतना आसान थोड़ी ना है। फ्रस्ट्रेशन में वो डोमिनिको से झगड़ने लगती है। ये सब कुछ लैला अंदर से देख पा रही थी, क्योंकि घर के सारे हिस्से में जो सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं वो इस मॉनिटर से कनेक्टेड है। उसे समझ आ जाता है डोमिनिको बुरा नहीं है, उसे मैनिपुलेट कर पाना आसान होगा। तो वो वही करती है, एक तरफ डोमिनिको से बात करती है जिससे वो उन्हें भागने में मदद करे, दूसरी तरफ अपने बेटे से कहती है मेन डोर वाले इंटरकॉम को ठीक करने के लिए। इसी बीच डोरबेल फिर से एक बार बजती है, एक पुलिस ऑफिसर आए थे लैला के कॉल के रिस्पांस में। डोमिनिको जाता है उससे बात करने और अपनी मीठी मीठी बातों से उसे कन्विंस भी कर देता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही ऑफिसर जाने लगती है, फॉर्चुनेटली इंटरकॉम काम कर जाता है और उन्हें लैला की आवाज़ सुनाई देती है, वो चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रही थी। ऑफिसर को तो पहले ही शक हुआ था, अभी वो एक और मिनट भी जाया नहीं करती, डोमिनिको को अरेस्ट कर लेती है और फिर अंदर जाती है लैला को ढूंढने, मगर बस वहीं तक। ज़्यादा दूर जा पाए इससे पहले ही रो को उसे गोली मार देती है, एक पुलिस ऑफिसर को। डोमिनिको तो पैनिक करने लगा था, एक सिंपल रॉबरी के चक्कर में और कितने लोगों की जान जाएगी। वो लोग सामने वाले घर में गए थे चोरी करने, उन्हें खबर मिली थी उस समय वो लड़की काम पर जाती है, मगर उस दिन पता नहीं कैसे वो लौट आई और रोको ने उसे मार डाला। इस लड़की की तो जुबान से ज्यादा बंदूक चलती है और उसके चक्कर में डोमिनिको भी फंस गया। अब जब वो लोग उस ऑफिसर के लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहे थे, इधर लैला और अयान अपने वे आउट के बारे में सोच रहे थे। लैला का फोन तो टूट चुका है, बचा था अयान का फोन जो उसके कमरे में है। पहले लैला डिसाइड करती है कि वो जाएगी, मगर वो फ़ोन जिस लॉकर में है वो अयान के फिंगरप्रिंट के बिना ओपन नहीं होगा, मतलब उसे ही जाना होगा। तब भी नीचे रोको और डोमिनिको उस लाश को लेकर बहस कर रहे थे, जिसका फ़ायदा लेकर अयान अपने कमरे में जा पहुंचता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर हड़बड़ी में उसे एक लैम्प गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से रोको को पता चल जाता है कोई बाहर निकला है।
वो भागती है उन्हें पकड़ने। आयान के कमरे में भी जाती है मगर उसे कोई नहीं दिखता। कमरा तो खाली है। उसे क्या पता माँ बेटे बिस्तर के नीचे छुपे थे। जैसे वो कमरे से निकल जाती है लैला आयान को लेकर सेफ रूम की तरफ भागती है। अब उनके पास आयान का फोन भी है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ वो कर ही लेगी। लेकिन रोको भी कम चलाक नहीं, वो बिल्कुल उस रूम के सामने खड़ी थी। वो उन लोगों पर हमला कर देती है। रोक नहीं पाती लेकिन चाकू से आयान के पांव में घाव जरूर कर देती है। खून बहुत ज्यादा बह रहा था, बेचारा तड़पने लग जाता है, साथ में उसे दौरे भी पड़ने लगते हैं। लैला किसी तरह फर्स्ट एड तो कर देती है मगर उसे पता था घाव बहुत गहरा है, इससे इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलेगा। उसे जो करना होगा जल्दी करना होगा। तो वो सबसे पहले 911 पे कॉल करती है लेकिन सेफ रूम में नेटवर्क नहीं रहता, इसीलिए कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। ऐसे में टेक्स्ट मैसेज ही सिर्फ एक रास्ता है। लैला को नील के बारे में याद आता है, उसका नंबर भी उसके पास ही था, तो वो उसे ही मदद के लिए मैसेज करती है जो फॉर्चुनेटली डिलीवर्ड हो भी जाता है। और बस कुछ ही देर में वह खुद आ जाता है दरवाजे पर। लैला इंटरकॉम के जरिए उसे बात कर पा रही थी। वो जैसे तैसे उसे सारा सिचुएशन समझा देती है और पुलिस को खबर देने के लिए कहती है, मगर नील कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। अगर पुलिस आने से पहले कुछ ऊपर नीच हो जाए तो वह खुद ही पीछे के रास्ते घर के अंदर घुस जाता है। हम देखते हैं उसके पास गन है। उधर तब तक डोमिनिको और रोको मिलकर ऑफिसर के लाश को उनके ही गाड़ी के ट्रंक में ट्रांसफर कर चुके थे। उन्हें एक लेडी देख लेती है। रोको तो उसे भी मारना चाहती थी मगर डोमिनिको सिचुएशन को मैनेज कर लेता है, उसे और किसी को मारना नहीं था। ऊपर लैला और आयान भी यही प्रे कर रहे थे, मगर ये नील सारा प्लान चौपट कर देता है। उसे रोको गन पॉइंट पे ले लेती है और लैला को धमकाती है अगर वो बाहर नहीं निकली तो वो इस बंदे को मार डालेगी। लैला पड़ जाती है मुश्किल में, वो नहीं चाहती थी उसके लिए किसी और की जान जाए। नील भी किसी चूहे की तरह गिरगिरा रहा था। वो कहता है ये लोग सिर्फ आयान से बात करना चाहते हैं, ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो उनके खिलाफ गवाही ना दे। अगर वो रूम से बाहर नहीं आई तो ये लोग उसे उसी तरीके से मार डालेंगे जैसे उस नेबर को मारा था। इस बात से लैला को अचानक एक बहुत बड़ा झटका लगता है। नील को कैसे पता इन लोगों ने उस नेबर का खून किया है? ये नील आखिर है कौन? यहाँ पर खुलता है इस फिल्म का असली राज। पता चलता है ये नील कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इन लोगों का बॉस है वो। लैला और ज्यादा कंफर्म्ड होने के लिए आयान का फोन चेक करती है। वहां वो सारे वीडियोस ऑटोमेटिकली सिंक्ड हो चुके थे। उसे ध्यान से देखने पर लैला को नील दिख जाता है खून के समय, मतलब यही है इन सब का बॉस, मास्टरमाइंड। इसीलिए वो घर के आसपास मंडरा रहा था जिससे इस घर को भी वो लूट सके। धीरे धीरे लैला के लिए सब कुछ क्लियर हो जाता है। उधर बाहर तब तक डोमिनिको उन लोगों से झगड़ने लगा था, उसे जेल जाना नहीं था और वो इस माँ बेटे को हार्म करना भी नहीं चाहता। वो भागने की कोशिश करता है एंड नील उसे शूट कर देता है। सिचुएशन धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा था। नील समझ नहीं पा रहा था इस माँ बेटे को कैसे बाहर निकाले, धमकाने से तो कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो वो एक दूसरा रास्ता अपनाता है। वो सेफ रूम का ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देता है। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें दरवाजा खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी मौत निश्चित है। कुछ समय बीत जाता है और वो लोग सच में ही सफोकेट करने लगे थे। पूरा कमरा कार्बन डाइऑक्साइड से भर चुका था जिस वजह से वो लोग डीजी फील कर रहे थे। धीरे धीरे उनका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। ऐसे में आयान एक तरीका निकालता है। असल में उसके रूम के सारे सिस्टम्स, लाइट से लेकर वाटर टैप्स तक ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जा सकता है उसके फोन के जरिए। तो वो एक बटन प्रेस करके पानी छोड़ देता है, साथ में हीटर भी ऑन कर देता है। इससे होता ये कि कुछ ही देर में उसका कमरा पानी से भर जाता है और इलेक्ट्रोक्यूशन के वजह से पूरे घर की लाइट्स चली जाती हैं। पूरे घर में अंधेरा छा चुका था, जिसका फायदा लेकर लैला और आयान सेफ रूम से निकलकर मेन डोर की तरफ भागने लगते हैं, मगर इधर नील और रोको भी उनका इंतजार कर रहे थे। ऐसे ही कुछ देर चूहे बिल्ली का खेल चलता है, जिसमें एक वक्त ऐसा आता है कि नील अंधेरे में रोको को शूट कर देता है लैला समझकर। वो गुस्से में पागल हो चुका था, इस माँ बेटे के चक्कर में उसने अपने ही दो आदमी का खून कर दिया था। अब कुछ भी हो जाए वो उन्हें पकड़ के ही रखेगा। नील पागलों की तरह ढूंढने लगता है उन्हें और एक पॉइंट पे आयान उसके हाथ आ भी जाता है, मगर वो बहुत ही चालाकी से उसके पैर में एक स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है जिससे नील अपना ग्रीप लूज करने पर मजबूर हो जाता है। इससे आयान तो बच जाता है मगर उसकी माँ नहीं। नील उसे छोड़कर लैला को पकड़ लेता है, उसे चोक करने लगता है।
अयान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। ऐसे सिचुएशन में उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो इतने क्रिटिकल सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर पाता। तो फाइनली वो खुद को शांत करता है और बाहर भागता है मदद बुलाने। इधर लैला की हालत खराब हो रही थी, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी इस मॉन्स्टर से लड़ने की, मगर धीरे धीरे उसकी सांसें रुकने लग जाती है। वो कुछ देख नहीं पा रही थी, उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मगर इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी वो हार नहीं मानती। हाथ में जो भी आता है उसी से नील पर वार करने लगती है, और ऐसे ही उसके हाथ लग जाता है एक बैट, जिसके वार से नील कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। लैला इसी मौके का फायदा उठाती है। उसे अपने से ज्यादा अपने बेटे का टेंशन हो रहा था। अगर ये आदमी जिंदा रह गया तो अयान के लिए हमेशा एक खतरा बना रहेगा, जो वो नहीं चाहती। इसलिए वो नील के बंदूक से ही नील को शूट कर देती है। किस्सा खत्म। तब तक अयान पुलिस बुला चुका था, साथ में पैरामेडिक्स भी आए थे जो उसके घाव का ट्रीटमेंट कर देते हैं। लेकिन वो तब भी शॉक में था, जिससे निकलने में वक्त लगेगा, लेकिन उसके लिए तो उसके माँ है ना उसके साथ। वो लोग पुलिस को वो सारी वीडियोस दे देते हैं जिसके लिए इतना सब कुछ हुआ था, और उसी से उस नेबर लेडी का केस भी सॉल्व हो जाता है। दी एंड। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, थ्रिलिंग है, एंटरटेनिंग है। मुझे तो कहानी पसंद आई। आपको ये वीडियो कैसी लगी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।